नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम SYBA इस कक्षा की कात्यायनी के द्वारा लिखित हॉकी खेलती लड़कियां इस कविता का अध्ययन करेंगे। अर्थात हॉकी खेलती लड़कियां यह केवल एक सपना है और कवि कवयित्री की इच्छा है कि वह प्रत्यक्ष रूप में वह साकार हो। एक दिन ऐसा मिले कि यह उनका दिन साकार हो जाए। अर्थात कात्यायनी यह एक स्त्री विमर्श की कवयित्री है, अतः उन्होंने नारी चेतना को अपनी हॉकी खेलती लड़कियां इस कहानी के कविता के माध्यम से उद्धृत करने का प्रयास किया है। कात्यायनी का जन्म 9 मई 1959 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। कात्यायनी विचारधारा से जुड़ी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। स्त्री विमर्श को सशक्त आवाज देने का प्रयास कात्यायनी जी ने किया है। अर्थात स्त्री की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास उन्होंने किया है। कात्यायनी की जो प्रकाशित रचनाएं हैं उनमें से या उनके प्रमुख काव्य संग्रहों में से 7 भाइयों के बीच चंपा, फुटपाथ पर कुर्सी, इस पौरुषपूर्ण समय में, चेहरों पर आंच, जादू नहीं कविता, राख अंधेरे की बारिश में, यह उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तथा उनके लेखों के संकलन में दुर्ग द्वार पर दस्तक, इन देयर ऑन वॉयस, षड्यंत्र मृतकों के बीच, कुछ ज्वलंत, यह उनके प्रमुख लेखों के संग्रह हैं। और उनके संपादन में पाश के काव्य संकलन लट्टू है कि तब भी गाता है का संपादन का कार्य उन्होंने किया है। कात्यायनी की सुप्रसिद्ध कविता है हॉकी खेलती लड़कियां। उनकी जो कविता है उस कविता में उन्होंने स्त्री मुक्ति के द्वार खोलने का प्रयास किया है। जिस तरह से इस समाज में स्त्री और पुरुष दोनों में समानता होनी चाहिए, स्त्रियों का भी एक स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए, इस विचारधारा से जुड़ी उनकी ये जो कविता है वह कविता उन्होंने उद्धृत करने का प्रयास उन्होंने किया है। कविता यह है, आज शुक्रवार का दिन है और इस छोटे से शहर की ये लड़कियां हॉकी खेल रही है हॉकी। कवयित्री कहती है, आज शुक्रवार का दिन है, ये छोटा सा शहर है और इस छोटे से शहर की ये जो लड़कियां है वह आज हॉकी खेल रही है। खुश है लड़कियां, फिलहाल खेल रही हॉकी, कोई डर नहीं है। और यह लड़कियां स्वच्छंद होकर उन्मुक्तता से वो हॉकी का खेल रही है और इसीलिए यह लड़कियां अत्यंत खुश है। उस खेल के साथ यह लड़कियां बहुत एकाकार हो गई है और इसीलिए यह लड़कियों के मन में आज किसी भी प्रकार का डर नहीं है। कारण वह अपने घर की 4 दीवारों को लांघकर उस मैदान में हॉकी का खेल खेल रही है और इसीलिए उस खेल के साथ एक रूप होने के कारण उनके मन में किसी भी प्रकार के डर का साया नहीं है। कवयित्री कहती है, बॉल के साथ दौड़ती हुई, हाथों में साधी स्टिक, वे हरी घास पर तैरती, चूल्हे की आंच से, मुसल की धमक से दौड़ती हुई वह बहुत दूर आ गई। कवयित्री कहती है कि यह जो लड़कियां हैं वो बॉल के साथ दौड़ रही है, हॉकी खेलने के कारण हॉकी की स्टिक उनके हाथों में है, उनके हाथों में वह स्टिक सधी हुई है, वहाँ का जो मैदान है उस मैदान पर हरी घास है, इसीलिए वह हरी घास पर तैरती, चूल्हे की आंच से, मुसल की धमक से दौड़ती हुई बहुत दूर आ गई है। यह लड़की आज मैदान में है, वह हरी घास पर वह दौड़ रही है, भाग रही है, उनके हाथों में स्टिक है, बॉल के पीछे वह दौड़ रही है,
परंतु उनके घर का जो चूल्हा है उस चूल्हे की आंच से वह दूर आ गई है। कारण घर में रसोई का काम ये लड़कियों को ही करना पड़ता है, और इसीलिए उस चूल्हे की आंच से वह दूर गई है। मुसल की धमक से, ये जो मुसल होता है उस मुसल के द्वारा लड़कियों को धमकाया जाता है। लड़कों के काम अलग होते हैं, लड़कियों का काम अलग होते हैं। घर परिवार से यह अलगता के संस्कार बचपन से ही उनके मन मस्तिष्क पर संस्कारित किए जाते हैं। लड़कियों को अनेक प्रकार के काम करवाए जाते हैं, श्रम के काम लड़कियों से करवाए जाते हैं। अगर वह काम उन्होंने नहीं किए तो मुसल के द्वारा, छड़ी के द्वारा उन्हें धमकाया जाता है, मारा जाता है। और इसीलिए कवयित्री कहती है कि उनके घर के चूहे की आंच से तथा मुसल की दमक से, अर्थात उनकी धमकियों से ये लड़कियां बहुत दूर आ गई है, दौड़ती हुई बहुत दूर आ गई है। कवयित्री कहती है, वहां इंतजार कर रहे हैं उन्हें देखने आए हुए वर पक्ष के लोग, अर्थात ये कल्पना मात्र है कि उन्हें देखने के लिए, लड़की को देखने के लिए घर में मेहमान आ गए हैं, और लड़की हॉकी के मैदान में हॉकी खेल रही है। वहाँ इंतजार कर रहे हैं उन्हें देखने आए हुए वर पक्ष के लोग। वहाँ अम्मा बैठी राह ताकती है कि बेटी आए तो संतोषी माता की कथा सुनाए। मतलब इस लड़की को देखने के लिए वर पक्ष के लोग आए हैं और वह घर में उनका इंतजार कर रहे हैं, तथा उनके जो माँ है वह माँ अपनी बेटी के इंतजार में इसलिए बैठी है कि वह बेटी आने के बाद संतोषी माता का कोई रोत हो तथा उनकी कोई कथाएं वह अपनी बेटी को सुनाए, और इसीलिए वह उनके इंतजार में बैठी है, संतोषी माता की कथा सुनाए और वह अपना रोत तोड़े। और उसी तरह से उनका जो रोत होगा, संतोषी माता का रोत, वह रोत अब समाप्त हो जाएगा, और इसीलिए वह अपनी बेटी के इंतजार में वह अपने घर में बैठी है। वहाँ बाबूजी प्रतीक्षा कर रहे हैं दफ्तर से लौटकर। बाबूजी भी दफ्तर से लौटकर आए हैं, और दफ्तर से लौट कर आने के बाद बाबूजी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं पकौड़ी और चाय की। इस तरह से रिवाज है, घर के कोई पुरुष दफ्तर से कोई काम कर बाहर से कोई काम कर आए तो घर परिवार की जो नारियां हैं वह उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करती है। उसी तरह से बाबूजी दफ्तर से लौट कर आए हैं और वह घर बैठे पकौड़ी और चाय का इंतजार कर रहे हैं। मतलब उनकी बेटी हॉकी के मैदान से वापस आएगी और वह उन्हें पकौड़ी और चाय देगी। वहाँ भाई घूम घूम कर लौट रहा है चौराहे से, जहाँ खेल जहाँ खड़े हैं मोहल्ले के शोधे, रोज की तरह लड़कियाँ की हॉकी खेल रही है। वहाँ उनका जो भाई है चौराहों के बीच जा रहा है, घूम घूम कर वह लौट आ रहा है। वह अपनी बहन का इंतजार कर रहा है, कारण वर पक्ष के लोग बेटी को देखने के लिए घर में आकर बैठे हैं, और ऐसे समय में बेटी हॉकी के मैदान में है, और इसीलिए यह भाई उनका अपनी बहन का चौराहे के बीच जाकर वह घूम घूम कर लौट आ रहा है। यह अर्थात ये सारी कल्पना मात्र है, अर्थात कोई भी भाई वहाँ चौराहे से वापस नहीं आएगा, वह लाने के लिए उस मैदान में घुस जाएगा। परंतु इसी तरह से कवि की एक कल्पना मात्र है कि पिताजी घर में आकर अपनी बेटी का इंतजार कर रहे हैं, माँ संतोषी माता की कथा सुनाने के लिए अपनी बेटी का इंतजार कर रहे हैं, और भाई भी चौराहों से लौट लौट कर अपने घर में आ रहा है। जहाँ खड़े हैं मोहल्ले के शोहदे, रोज की तरह लड़कियां है कि हॉकी खेल रही है, और इस लड़कियों का हॉकी का खेल खेलने की खेल रही है, उन्हें देखने के लिए वहाँ गली गली के जो लड़के हैं वह देख रहे हैं हॉकी के मैदान की ओर, लड़कियों का खेल देख रहे हैं। कवयित्री कहती है, लड़कियां पेनाल्टी कॉर्नर मार रही है, यह लड़कियां हॉकी खेल रही है, और इसलिए हॉकी के मैदान में हॉकी खेलने के लिए वो पेनल्टी कॉर्नर मार रही है। लड़कियां पास दे रही है, लड़कियां गोल गोल चिल्लाती है। हॉकी का जो गेंद बॉल होता है वह लड़कियां वो दूसरी लड़कियों के पास दे रही है, और उनमें से गोल हो जाने के बाद जोर से गोल गोल वह चिल्लाती है।
गोल गोल चिल्लाती हुई बीच मैदान की ओर भाग रही है लड़कियां। और यह लड़कियां अपने खेल के साथ, बॉल के साथ इतनी एकरूप हो गई है, इतनी एकरूप हो गई है कि वह लड़कियां बीच मैदान से भाग रही है लड़कियां, एक दूसरों पर ढह रही है, एक दूसरों को चूम रही है और हंस रही है। यह लड़कियां दौड़ती दौड़ती एक दूसरों पर ढह रही है, गिर रही है, गिरती हुई उठती है, फिर अपने सहेलियों को वो चूमती है और फिर भी हंसती है। उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, सभी चिंताओं से परे होकर वो हॉकी का खेल एकरूप हो गई है, इतनी एकरूप हो गई है कि किसी के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए लेखिका कहती है, लड़कियां पेनाल्टी कॉर्नर मार रही है, लड़कियां पास दे रही है, लड़कियां गोल गोल चिल्लाती है, बीच मैदान के भाग रही है लड़कियां, एक दूसरों पर डर रही है, एक दूसरों को चूम रही है और हंस रही है। लड़कियां फाउल खेल रही है, मतलब उनका खेल फेल होता है, उनमें कुछ गलतियां होती है। लड़कियों को चेतावनी दी जा रही है और वे हंस रही है कि यह जिंदगी नहीं, यह इस बात से निश्चिंत है लड़कियां। लड़कियां हंस रही है रेफरी की चेतावनी पर। लड़कियां गलत खेलती है, वह लड़कियां फाउल खेल रही है तो उस रेफरी के द्वारा उन्हें बार बार चेतावनी देती है, दी जाती है कि वह गलत खेल रही है, परंतु उन चेतावनी के बावजूद भी लड़कियां उन्मुक्त होकर हंस रही है कि यह जिंदगी नहीं है। इस बात से निश्चिंत लड़कियां हंस रही है रेफरी की चेतावनी पर, मतलब रेफरी के द्वारा चेतावनी देने के बावजूद भी लड़कियां इतनी स्वच्छंद और मुक्त हो गई है कि वह सभी चिंताओं से परे होकर वह हंस रही है। किसी की चिंता तथा चेतावनी की चिंता वह नहीं करती है, उस खेल के साथ एक रूप होकर वह अपना खेल खेल रही है। लड़कियां बारिश के बाद की नम घास पर फिसल रही है और गिर रही है और उठ रही है। बारिश हो जाने के बाद वहाँ का मैदान जो है वह नम हो गया है और वह नम हो जाने के कारण ये लड़कियां उस बॉल के पीछे दौड़ रही है, भाग रही है, और परिणामतः वह जगह नम हो जाने के कारण वह फिसल रही है, गिर रही है, परंतु गिरने के बाद भी उठकर फिर उस गेंद के पीछे दौड़ रही है। वे लहरा रही है, चमक रही है और मैदान के अलग अलग मोर्चे में रह रहकर उमड़ घुमड़ रही है। यह लड़कियां अपने खेल के साथ इतनी एकरूप हो गई है जैसे दिखाई देता कि वह लहरा रही है, चमक रही है और उस मैदान के अलग अलग मोर्चे में रह रहकर उमड़ घुमड़ रही है। उन खेल के साथ अपनी सहेलियों के साथ वो एकरूप हो गई है, इतनी एकरूप हो गई है। वे चीख रही है, सिटी मार रही है और बिना रुके भाग रही है एक छोर से दूसरे छोर तक। यह हॉकी खेलने वाली जो लड़कियां है वो लड़कियां अपने खेल के साथ इतनी एकरूप हो गई है कि वो जोर जोर से चीख रही है। अत्यधिक हर्षातिरेक होने के कारण वह सिटी मार रही है और बिना रुके भाग रही है, गेंद के पीछे हाथों में स्टिक लेकर वो दौड़ रही है एक छोर से दूसरे छोर तक, अर्थात एक किनारे से दूसरे किनारे तक यह लड़की दौड़ रही है। यह लड़की दौड़ते समय उनकी पुष्ट टांगे चमक रही है नृत्य की लयबद्ध गति के साथ। यह लड़कियां जब दौड़ती है एक साथ खेल, उस खेल में होने वाले अनेक लड़कियां दौड़ती है और इसीलिए कवयित्री कहती है कि उनकी पुष्ट टांगे चमक रही है नृत्य की लयबद्ध गति के साथ। जैसे यह लड़कियां कोई नृत्य कर रही है उसी तरह से यह लड़कियां दौड़ रही है। और लड़कियां है कि निर्द्वंद्व निश्चिंत, इस लड़कियों के मन में कोई द्वंद्व नहीं है, निश्चिंत है, किसी की कोई चिंता नहीं है। बिना सोचे यह कि मोह दिखाई की रश्म करते समय सास क्या सोचेगी। यह लड़कियां उस खेल के साथ इतनी एकरूप हो गई है कि वह यह नहीं सोच रही है कि जब उन्हें वर पक्ष के लोग देखने के लिए आए हैं और ऐसे समय में
वह मोह दिखाई कि रश्म करते समय, वह समारोह करते समय सास क्या सोचेगी, उसकी चिंता इन लड़कियों को नहीं है, वह मुक्त होकर स्वच्छंद होकर खेल रही है। इस तरह खेलती रहती लड़कियां निसंकोच निर्भीक दौड़ती भागती और हंसती रहती इसी तरह से, और हम देखते रहते उन्हें। इसी तरह से ये लड़कियां खेलती रहती है निसंकोच, उनके मन में कोई संकोच नहीं है, निर्भीक, किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी के धमकाने का डर नहीं है, किसी के मारने का डर नहीं है, और इसीलिए दौड़ती भागती और हंसती रहती है इसी तरह, और हम उन्हें देखते रहते हैं। और ऐसी हंसने खेलने वाली लड़कियों को, दौड़ने वाली लड़कियों को उस हॉकी के मैदान में हम केवल देखते रहते हैं। कवयित्री कहती है, पर शाम है कि होगी ही, परंतु समय परिवर्तित होता है, शाम तो होगी ही, रेफरी है कि बाज नहीं आएगा सिटी बजाने से, और लड़कियां स्टिक लटकाए हाथों में एक भीषण जंग निपटाने की तैयारी करती, लड़कियां लौटेगी घर। परंतु खेल का समय समाप्त हो गया, शाम हो गई, रेफरी खेल समाप्ति की सूचना देता है, सिटी बजा देता है, और उनके द्वारा खेल समाप्त होने की सूचना उस सिटी के द्वारा देने के बाद लड़कियां हाथों में स्टिक लेकर वह एक भीषण जंग से लड़ने के लिए, मतलब इस दुनिया से भीषण जंग से लड़ने के लिए, कारण स्त्रियों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, परंपरा से वह पुरुष प्रधान संस्कृति की, गुलामी की संस्कृति में या श्रृंखलाओं में वह जकड़ी हुई है। अतः कवयित्री कहती कि उस जंग से लड़ने के लिए, जंग को निपटाने के लिए, भीषण जंग से निपटाने के लिए लड़कियां तैयारी करती, लड़कियां लौटेगी घर। ये भीषण जंग से लड़ने की तैयारी करती हुई उस हॉकी के मैदान से हंसने खेलने वाली लड़कियां अपने घर दौड़ते आएगी। अगर ऐसा न हो तो समय रुक जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, ये लड़कियां अपने घर नहीं आई, तो समय रुक जाएगा, काल परिवर्तित नहीं होगा, इंद्र मरुत वरुत सब कुपित हो जाएंगे, सभी देवताओं का कोप हो जाएगा, वज्रपात हो जाएगा, चक्रवात आ जाएगा, जैसे कोई प्रहार आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। अगर यह लड़कियां अपने घर नहीं आई तो घर पर बैठे देखने आए वर पक्ष के लोग पैर पटकते चले जाएंगे। उसे देखने के लिए आए हुए जो वर पक्ष के लोग लड़की के इंतजार में घर बैठे थे, वो पैर पटक कर घर में, घर के बाहर चले जाएंगे। अगर इस लड़की को उस हॉकी के मैदान में उन्होंने खेलते हुए देखा तो बाबूजी घुस आएंगे गरजते हुए मैदान में। बाबूजी जो सिर दफ्तर से वापस आए हैं, वो घर में नहीं बैठेंगे, बेटी का इंतजार करते, वो मैदान में घुस आएंगे और गरजते हुए घुस आएंगे और अपनी बेटी को अपने घर में लौटाएंगे। भाई दौड़ता हुआ आएगा, झोंड पकड़ कर घसीट ले जाएगा, और उसी समय जो भाई है, पहले देखा हम लोगों ने जो चौराहे पर से बीच लौट आ रहा था, वो चौराहे बीच से लौट नहीं आएगा, वो मैदान में घुस जाएगा और अपनी बहन का बालों का झोंटा पकड़ लेगा और घसीट कर वो अपने घर में ले आएगा, कारण स्त्रियों को स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। भाई दौड़ता हुआ आएगा और झोंट पकड़ कर घसीट ले जाएगा, अम्मा कोसेगी, इस समय में अम्मा भी पीछे नहीं रहेगी, मतलब एक नारी भी दूसरी नारी का सम्मान नहीं करती, एक नारी भी पुरुष प्रधान संस्कृति के वर्चस्व के कारण वह स्त्रीवादी विचारों से न सोचती हुई वह भी पुरुष प्रधान विचार से सोचती है, और इसीलिए कवयित्री कहती अम्मा कोसेगी, किस घड़ी में पैदा किया था ऐसे कुल छन्नी बेटी को, मतलब ऐसे कुल का विनाश करने वाली ऐसे बेटी को किस घड़ी में मैंने पैदा किया था, इस तरह से अम्मा भी मुझे कोसेगी। बाबूजी चीखेंगे, सब तुम्हारा बिगाड़ा हुआ है, बाबूजी चीखेंगे कि जो संस्कार उस बेटी पर तुमने करने चाहिए थे, नारीवादी संस्कार, वो तुमने संस्कार नहीं किए, और इसीलिए अम्मा पर बाबूजी चीखेंगे। घर एक अंधेरे में डूब जाएगा, सब सो जाएंगे, लड़कियां घूरेगी अंधेरे में,
और ऐसा हो गया तो वो जो घोर परिवार है वो अंधेरे में डूब जाएगा, सब सो जाएंगे, और ऐसे अंधकार में ये जो लड़की है वह लड़की घूरेगी, अंधेरे में घूरते रहेगी, देखती रहेगी, अम्मा की लंबे सांसें सुनती, इंतजार करती हुई कि अभी वे आकर सिर सहलाएगी। मतलब सभी के सामने माँ ने एक रूप होकर सभी के साथ उन पर अन्याय किया, उसे पीटा, उनके साथ बदव्यवहार किया, परंतु माँ की जो लंबी सांसें हैं उनका इंतजार करते रहेगी, कारण अम्मा भी एक नारी है और इसीलिए एक नारी की वेदना वो समझ सकती है, और इसीलिए यह बेटी अंधेरे में घूरती रहेगी, माँ आएगी और उसका जो सिर है वो सिर सहलाएगी, सो जाएगी लड़कियाँ सपने में दौड़ती हुई बॉल के पीछे, और यह सारा सपना मात्र था कि जो लड़की हॉकी के मैदान में वह स्वच्छंद होकर खेल रही है, दौड़ रही है, गिर रही है, उठ रही है, ये केवल सपना मात्र था। इसीलिए कवित्री कहती है, सो जाएगी लड़कियाँ और सपनों में ही दौड़ती हुई बॉल के पीछे, स्टिक को साधे हुए हाथों में पृथ्वी के छोर पर पहुंच जाएगी और गोल गोल चिल्लाती हुई एक दूसरे को चुमती हुई लिपट पर धरती पर गिर जाएगी। अर्थात ये हॉकी का जो खेल है वो हॉकी का खेल खेलती खेलती यह लड़की पृथ्वी के छोर पर पहुंच जाएगी और वहां से गोल गोल चिल्लाती हुई यह लड़कियाँ एक दूसरों को चुमती हुई धरती पर गिर जाएगी। अर्थात ये सपना मात्र रह जाएगा। आज नारी पुरुष प्रधान संस्कृति की दास्ता में जकड़ी होने के कारण उनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, और यह कवयित्री श्री विमर्श की कवयित्री होने के कारण कात्यायनी नारी को इस घर की चार दीवारों से बाहर निकालकर समाज के कार्यक्षेत्र में अग्रसर करना चाहती है, और इसीलिए नारीवादी भावनाओं को, उनकी वेदनाओं को, उनकी समस्याओं को उन्होंने वाणी देने का प्रयास प्रस्तुत कविता के माध्यम से किया है। इसलिए हॉकी खेलती लड़कियां, उनका एक सपना है कि जिस समाज में स्त्री और पुरुष दोनों की समानता हो, उनकी आकांक्षा इस कविता में इस कवयित्री ने की है। धन्यवाद।